नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर सबसे मेन क्वेरी मैरिज से रिलेटेड बताते हुए पूरे ओवरऑल हैंड का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर जो मैरिज के योग हैं वो अप्रोक्सीमेटली, जो इनका साइड में यूनियन लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और ये जो एज है अप्रोक्सीमेटली 32 से 33 के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर भी आते हैं आपके लाइफ लाइन पर, तो इनके हाथ में लाइफ लाइन का फ्लो कंटिन्यूस एक प्रोमिनेंट यहाँ पर चल रहा है। उसमें कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, स्मूथ लाइफ रहने वाली है, ज़्यादा इसमें हर्डल्स या ट्रबल इतना नहीं है। और यहाँ भाग्य रेखा के विषय में आते हैं, तो भाग्य रेखा में भी जो चेंजेस अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 32 से 33 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है, जो मून लक लाइन यहाँ पर अटैच हुआ है। तो मून लक लाइन बेसिकली विवाह के योगों को ही बताता है, स्त्री के बारे में ही बताता है, जब यहाँ से किसी भी प्रकार से कनेक्शन इस प्रकार से रेखा निकलती है। तो मैरिज के योग जो हैं 32-33 मतलब ये साल या फिर अगले साल तक पूरे होने के योग देखने को मिल रहे हैं, और मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। रीज़न ये है कि गुरु जो माउंट है कुल मिलाकर के नॉर्मल है, और यहाँ पर इनकी एम्बिशियस लाइन यानी प्रोग्रेस लाइन पहुंची हुई है। जब इस प्रकार की लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाले होते हैं। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है जब इनकी शादी हो जाती है, क्योंकि मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यही रीज़न है कि जो एम्बिशन व्यक्ति का होता है वो फिर पूरी फैमिली को लेकर के हाई क्लास, हाई अथॉरिटी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और जब गुरु का साथ यहाँ पर शुक्र दे दे तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि शुक्र समृद्धि का कारक होता है। शुक्र हर प्रकार की लग्जरीज, सुख सुविधा, अच्छा दिखावटी चीज़, रहन सहन, अच्छा खान पान, घूमना फिरना, जितने में शौक अरमान व्यक्ति के होते हैं वो सब शुक्र ही बताता है। जब शुक्र यहाँ पर अच्छा डेवलप देखने को मिले, पॉजिटिव देखने को मिले, तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है और बहुत अच्छा सक्सेस मैरिड लाइफ के बाद देखने को मिलता है। तो ओवरऑल शादी के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा ब्राइट है ये दो सालों में। और अब आते हैं पूरे पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो यही इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं यह जल्दबाजी एवं हड़बड़ी में अत्यधिक निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड देखने को मिलते हैं और क्विकली रिएक्शन देने वाले रहते हैं। जो भी दिलो दिमाग में बात आएगी उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी एक्शन में ले लेंगे, और रिजल्ट की चाहत भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी सब्र थोड़ा सा कम होता है। किसी के अंडर में कंफर्टेबल ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही इंडिपेंडेंटली अच्छा से काम कर लेंगे। इनके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रह सकती है, दूसरों से अच्छा काम निकलवा भी सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी और हड़बड़ी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो ग्रोथ अच्छा मिल पाएगा, और पेशेंस थोड़ा सा धैर्य रख लेंगे तो ये भी जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छा उन्नति दिलवाने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि ये यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से नीचे है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल अफेक्ट होती है, जैसे मन के अंदर बात को दबाए रखना, अपनी बात को प्रॉपरली किसी के सामने नहीं रख पाना, अपोजिट जेंडर के प्रति शर्मिलापन या स्टेज फियर। यही रीज़न है कि रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता, थोड़ा काम में ये डिले करवाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी वर्क का प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपरली थोड़ा नहीं हो पाता है। तो बुध के रेमेडीज़ अगर आप करेंगे तो आपके रिलेशन अपोजिट जेंडर के साथ भी अच्छे रहने लगेंगी, क्योंकि बुध की फिंगर जब शॉर्ट होती है तो रिलेशन भी टेम्प्रेरी रहते हैं अपोजिट जेंडर से रिलेटेड खासकर। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी है, तो ये हिम्मती स्वभाव को बताता है कि आप रिस्क टेकिंग नेचर आपके अंदर ज़्यादा है। जेब में 5 रुपये हों लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई तो 550,000 तक गेम आप खेल जाएंगे। तो इसलिए हिम्मती स्वभाव है तो किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं। आर्टिस्टिक क्वालिटी, गुड क्रिएटिविटी आपके अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। नेम फेम की चाहत ज़्यादा रहेगी, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा मिलने वाला रहेगा। और देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी व्यक्त करती है कि आप कहीं ना कहीं हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके मधुर और कम्फर्टेबल रहने वाले रहेंगे। यहाँ पर बात करें आपके थंब के साइज़ के विषय में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, और एक प्रकार से थंब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो हर ठीक किस्म का नेचर है, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा, अपने ज़िद पर अड़ेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। और यहाँ बात करें आपके फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की,
तो फर्स्ट फीलिंग्स ठीक है, नॉर्मल है, विल पावर ठीक रहेगा, लॉजिकल नेचर भी यहाँ पर आपका रहने वाला है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा आपसे नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल पाम के साइज़ के विषय में आते हैं तो नीचे का भार ज़्यादा उभरा हुआ है, तो मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन की ज़्यादा करेंगे। इंडिपेंडेंट जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे ग्रोथ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। पाम यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से फैला हुआ पाम है, तो बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, फील्ड वर्क अच्छा कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो एम्बिशियस नेचर आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन है यानी ये प्रेरणा का जो है क्षेत्र होता है, और जब ये ज़्यादा हो तो कोई भी काम करने के पहले आपके अंदर स्फूर्ति प्रेरणा बहुत ज़्यादा रहेगी, बिना प्लानिंग करे आप सीधे एक्शन ले लेंगे, इस प्रकार का नेचर यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरुकुल मिला करके जैसे पर्वत यहाँ थोड़ा दब गया तो इस कारण से विवाह में ये थोड़ी देरी को बताता है, लेकिन गुरु माउंट पे कोई भी हिसाब साइन नहीं है और एक प्रोग्रेस लाइन पहुँची है, तो ये एक प्रकार के महत्वाकांक्षीपन को बताता है। और जीवन में बहुत जल्दी आपके ऊपर भार भी आ गया था, जिम्मेदारियाँ भी आ गई थी, उसको भी ये यहाँ पर व्यक्त करता है। शनि का क्षेत्र थोड़ा सा दब गया है जो कार्यों में थोड़ी देरी को व्यक्त करता है, लेकिन भाग्य रेखा के विषय में बात करें तो भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी चल तो कंटिन्यूस रही है और सबसे अच्छी हो रही है यहाँ पर 34 के एज के बाद में, यानी आफ्टर मैरिज भाग्य बहुत अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। राहु की तरफ से भी रेखा आ रही है तो अचानक से धन लाभ के योग, अचानक से उन्नति के योग भी आपके बन रहे हैं। बात करें तो सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य और शनि के बीच में लूप ऑफ सीरियसनेस जैसी आकृति भी बन रही है, तो ज़्यादा भीड़ में रहना आपको पसंद नहीं रहेगा, भीड़ से अलग रहना, अपने आप पर ध्यान देना, अपने आप को समय देना, इस प्रकार का नेचर होता है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा वीक हो गया है तो इस कारण से थोड़ा आत्मविश्वास में ये कमी को बताता है। और यहाँ देखा जाए तो सूर्य रेखा मौजूद है लेकिन हल्की सी एक रेखा भी काटी हुई है, तो इस कारण से बहुत जल्दी ही पिता का साया भी चल जाता है या पिता के सुखों में जो है कमी देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये रेखाएं अब सारी की सारी धुंधली हो रही हैं और एक क्लियर कट यहाँ से रेखा डेवलप हो रही हैं, जो कि अच्छे प्रॉपर्टी के योगों को व्यक्त करता है कि आने वाले टाइम में आपका खुद का प्रॉपर्टी होने के चांसेस भी ब्राइट है और सक्सेसफुल भी आप अपने लाइफ में अच्छे से हो पाएंगे। मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत अच्छा डेवलप है और यहाँ पर देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा भी मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा मधुरभाषी किस्म के नेचर रहेंगे आप, आपकी बोली में मिठास रहेगा या बोली कहीं ना कहीं आपकी अट्रैक्ट बहुत अच्छी करने वाली रहेगी। यही रीज़न है कि लोग आपसे इजिली कनेक्टेड भी हो सकते हैं या फिर आप जो है लोगों को बांधे रख सकते हैं। बहुत ही गिने चुने अक्षरों के साथ तोल के बात करना आपको पसंद रहेगा और जो भी बातचीत करेंगे बहुत मधुर और बहुत अच्छा करेंगे, तो इस कारण से व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के योग ये अच्छे होने लगते हैं। और बुध जो है यहाँ पर पॉजिटिव अभी आपका हो रहा है, तो फिंगर के भी जो दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे करके मिटने लगते हैं। बाकी बात करें आपके हृदय रेखा के विषय में, तो हृदय रेखा इस प्रकार से निकल के गुरु से कनेक्टेड है, तो बहुत ही भरोसेमंद आदमी हैं आप, बहुत ईमानदार रहेंगे, किसी का एक रुपये भी नहीं रखेंगे, बहुत ही ऑनेस्ट लॉयल नेचर रहने के साथ साथ इमोशनल नेचर भी है आपका, भावुकता ज़्यादा आपके अंदर रहेगी लेकिन उस भावुकता को आप दूसरों को दिखाएंगे नहीं, मतलब अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हाइड कर लेंगे, लेकिन दूसरों की केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर बहुत प्रॉपरली देखने को मिल रही है। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, जो भी आप काम करेंगे बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ करेंगे और उसमें फिर अपने इमोशनल नेचर या ये सारी भावुकताओं को नहीं आने देंगे, तो कार्य सबसे पहले आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, उसके बाद ही कोई चीज़ है। तो हृदय रेखा अच्छी है आपकी, तो इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है और हेल्थ भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा देखने को मिल रहा है। माइंड लाइन भी यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना पसंद रहेगा या सुनना पसंद रहेगा, ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना इस सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लॉजिकल नेचर है तो हर चीज़ में लॉजिक लगा करके कार्य करेंगे, लाभ इस कारण से ज़रूर मिलेगा लेकिन जल्दबाजी हड़बड़ी से नुकसान मिलना है आपको, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दूसरा, माइंड लाइन अच्छा है तो मेमोरी शार्प रहेगी आपकी, तो पुराने से पुराने बातों को याद रखने में भी सक्षम रहेंगे और लाइफ में अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाला है। लाइफ लाइन के फ्लो में आते तो लाइफ लाइन का फ्लो कंटिन्यूस यहाँ पर चल रहा है, स्मूथ है, तो इस कारण से ज़्यादा ट्रबल हर्डल्स नहीं होती है, जो भी करोगे आप सब अपने खुद के दम पर करने वाले रहेंगे। सपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा तो ब्राइट नहीं है लेकिन हाँ, शादी के बाद अच्छा सपोर्ट दूसरों का मिल सकता है। खुद के ऊपर विश्वास रखें और खुद के द्वारा अत्यधिक किए गए कार्यों में आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके
मंगल के क्षेत्र की, तो अंदरूनी मंगल ठीक विकसित है तो शारीरिक गठन अच्छा रहेगा, मानसिक बल भी मजबूत रहेगा क्योंकि बाहरी मंगल भी मजबूत है, तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर नहीं है, एग्रेशन कंट्रोल में है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कहाँ पर अपना एग्रेशन दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, किस प्रकार से समय समय पर अपने आप को संभालना है। क्योंकि जब बाहरी मंगल स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति की लाइफ में चाहे जितनी भी खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, हंस खेल के उसका सामना करके निकल जाते हैं। तो यही रीज़न है कि कभी आप जीवन में हार नहीं मानेंगे। और शुक्र का क्षेत्र जैसे ज़्यादा डेवलप है तो लग्जरियस लाइफ की आपकी चाहत ज़्यादा रहेगी, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी रॉयल्टी, अच्छा सुख सुविधा, अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम मेंटेन करना, खुद को मेंटेन करना, अधिक खर्चीलापन इसके कारण हो जाता है। लेकिन जीवन में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मेंटेन होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपकी अच्छी आएगी, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और केतु की बात करें तो यहाँ पर भी आपके एक प्रकार से फिश सिंबल क्रिएट हुआ है, तो धार्मिक रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप धार्मिक रहेंगे तो आपके काम फिर धीरे धीरे करके अच्छे से बनने लगेंगे और लाइफ में एक प्रकार से क्लियरेंस भी आपको मिलने लगेगा, पीसफुल आपकी लाइफ होने लगेगी, ज़्यादा चिंता बाधा या इस प्रकार से जो कन्फ्यूज़न है ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होगी। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता दिलाता है, अध्यात्म के प्रति जागरूक करवाता है। और यहाँ पर जब इस प्रकार का थोड़ा बहुत भी शाइन बने तो सीधे जो है व्यक्ति थोड़ा बहुत भी धार्मिक हो जाता है, तो अचानक से धन लाभ के योग, अचानक से प्रॉपर्टी के योग, अचानक से भाग्य उन्नति के योग बनने लगते हैं। चंद्र की रेखा है तो माँ से सहयोग अच्छा मिलेगा, मदर से कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लगाव भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप है तो मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे, सच्ची बातें करना, सच बातें सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। और एक प्रकार से स्क्वायर का साइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है चंद्र पे, तो बर्थ प्लेस से दूर यानी जन्म स्थान से दूर खुद के प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके ब्राइट हैं। यहाँ से ऊपर की ओर हल्की हल्की सी शाखाएं अभी फिलहाल देखा जाए तो सारी रेखाएं डेवलप हो रही हैं, तो आगे चल करके जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको व्यापार में बहुत लाभ मिलने वाला है। क्योंकि बिजनेस लकलन यहाँ पर आपका क्रिएट हो रहा है जिसके कारण धन में उन्नति बहुत होती है, और माफ़ करें, व्यापार में उन्नति बहुत होती है, धनागमन अच्छा होता है और धीरे धीरे करके व्यापार में वृद्धि भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में आपका जो है ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, धन भी अच्छा रहेगा और मेरे लाइफ भी बहुत आपका अच्छा बेस्ट रहने वाला है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।